मगर जनाबे वाला ये हमारा जर्फ है, हमारा जर्फ। हमने कभी या कभी तौरात नहीं जलाई, हमने कभी इंजील नहीं जलाई। पूरी दुनिया में खुदा की कसम किसी कलमा पढ़ने वाले ने एक इंजील जलाई हो तो रिकॉर्ड ला के दिखा दे जमाना। ये तुम्हारा जर्फ है जो हर जगह तुम हमारे कुरान को जलाने की कोशिशें करते हो। ईसाई जलाता है, यहूदी जलाता है। अबे कुरान को जलाने वालों भेड़ियों, कोई मजहब किसी किताब को जलाने की इजाजत नहीं देता। मगर स्वीडन का कोर्ट मजम्मत करते हैं हम जनाबे वाला। वो स्वीडन का आवारा कोर्ट, अबे कोर्ट है ये, कोर्ट है जहां से इंसाफ मिलता है या इंसाफ के गले पे छुरी चलाई जाती है। कैसा कोर्ट है जो किसी किताब को जलाने की बीच चौराहे पे इजाजत देता हो। धार्मिक ग्रंथों को जलाना ये मुसलमानों का काम नहीं। ये कमजर्फ ईसाई है, ये कमजर्फ यहूदी है, जो हमारे कुरान शरीफ जैसी अजीम शान किताब को चलाकर जनाबे वाला शर्मिंदा तक नहीं होते। कितने मनहूस कुत्ते और कितनी मनहूस कुतियां इस कुरान शरीफ को पांव के नीचे रख के फोटो खिंचवा के वायरल कर रहे हैं। अबे तुम इस कुरान शरीफ को, इस कुरान शरीफ का जवाब नहीं ला सकते पूरी दुनिया में जितने भी हो तुम सबके सब। और ए नस्लों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, आज जब के चारों तरफ कुरान जल रहा है, अब हदीस सुनाऊंगा बाद में, पहले आप इसको भी समझ लो कि जैसा तुम्हारा नबी है, दुनिया में किसी के पास ऐसा नबी नहीं। जैसा तुम्हारा इस्लाम है, ऐसा दुनिया में किसी के पास इज़्म, नजरिया और मजहब नहीं। और जैसी किताब है तुम्हारे पास, लाओ कोई पूरी दुनिया में। क्या है तुम्हारी किताब, कैसी है किताब, मगर तुम खुद नहीं समझ सके, पढ़ नहीं पाते हो कुरान को। इसीलिए तो मैंने कहा ट्यूशन पढ़ाओ इन्हें, 500,000 रुपए दो मौलवियों को, कोई बात नहीं है अगर मौलवी के पास 500,000 रुपए चले जाएं। एक बायोलॉजी का पढ़ाने वाला जब 1,000 ले सकता है, तो ये जनाबे वाला 1,000 कुरान पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले क्यों नहीं ले सकते। अगर आप मौलवी साहब को अपने यहां नहीं बुला पा रहे हैं, कुछ मसरूफियतें हैं आपकी, तो मौलवी साहब के पास आप अपने अकलमंद बच्चों को भेजिए। ये जनाबे वाला इंटर करने वाला, ये बीए बीकॉम करने वाला, ये एमबीबीएस करने वाला, इसको आधे घंटे के लिए भेजिए, ताकि इसे पता चले कि कुरान शरीफ है क्या चीज़। मैं बताता हूँ 2 मिनट के अंदर, फिर बात आगे बढ़ाऊँगा। इजाज़त है बावाज़े बुलंद कह दें सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे, कुरान शरीफ आज स्वीडन में खास बकरीद के दिन वहां की कोर्ट ने परमिशन दे दी, कोर्ट ने परमिशन दे दी। हो क्या रहा है हमारे साथ, दुनिया इतनी डरी हुई है इस्लाम से, दुनिया को यह पता है कि अगर हम शिकंजे नहीं कसेंगे तो चारों तरफ इस्लाम ही इस्लाम नजर आएगा। इसीलिए दुनिया खौफ ज्यादा है इस्लाम से, दुनिया जनाबे वाला परेशान है इस्लाम से, कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लाम ही इस्लाम नजर आए तो तुम क्या कर लोगे। अल्लाह इरशाद फरमाता है, युरीदून अलियुत्फिउ नूरल्लाह बिअफवाहिहिम वल्लाहु मुतिम्म नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। ए महबूब, ये जमाने का डिसबिलीवर्स ये चाहते हैं कि हम अपनी फूकों से अल्लाह का नूर बुझा दें, मगर ए मेरे हबीब, अगर इन्होंने बुझाना मुकर्रर कर लिया है तो हमने अपने नूर को पूरा करने का अहद कर रखा है। वल्लाह मुतिम्म नूरिहि वलौ करिहल काफिरून। ओ जमाने वालों, तुम एक चराग बुझाओगे, अल्लाह 100 चराग जला देगा, अल्लाह 100 चराग जलाएगा। ये अल्लाह का संकल्प है, ये डिवाइन संकल्प है। कौन लड़ेगा अल्लाह से, एक चराग बुझेगा वो 100 चराग जला देगा। खुद फरमाता है, अगर जमाने ने ये हद लिया है कि हम अपनी नूर, अपनी फूंकों से अल्लाह का नूर बुझा देंगे, तो अल्लाह फरमाता हम अपना नूर पूरा करके दिखा देंगे। कुफ्र खुदा है जनाबे वाला, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन, नूर खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदन।
फूकों से ये चराग बुझाया ना जाएगा। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। जहां तक मेरे कुरान की अजमत अहमियत की बात है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सिर्फ कुरान शरीफ झाड़ फूंक की किताब नहीं है मुसलमानों, कि तुम्हारी माँ का इंतकाल हो रहा है और इमाम साहब को बुला के ले जा रहे हो, चलो यासीन पढ़ दो। अब बच्चे को कोरोना हो गया और आपने कहा मौलाना साहब आप कुलना या नारो कूनी बर्दम व सलामन अला इब्राहिम पढ़ दीजिए ताकि कोरोना का खात्मा हो जाए और बुखार हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाए। ठीक है जनाबे वाला, इस कुरान से ये भी बड़ा फायदा है, कोरोना जाता है, बीमारियां जाती हैं, रूहों की बीमारियों का और जिस्मों की बीमारियों का बेहतरीन इलाज है कुरान शरीफ के अंदर। आप कैंसर का इलाज करना चाहो तो कुरान में है, आप ऑपरेशन, बल्कि मैंने तो कहीं ये देखा है कि किसी गैर नॉन मुस्लिम डॉक्टर के ऑपरेशन थिएटर में सूरह रहमान की सीडी लगी हुई है और वो जब ऑपरेशन शुरू करते हैं तो सूरह रहमान की तिलावत शुरू कर देते हैं। किसी ने उनसे पूछा कि ये क्या बात है, ओटी के अंदर आप सूरह रहमान की तिलावत करते हैं तो जाके आप ऑपरेशन करते हैं, तो कहते हैं हालांकि वो मुसलमान नहीं है मगर इसके बावजूद वो ये कहते हैं कि साहब बड़ा अजीब सा सुकून मिलता है और जो ऑपरेशन मैं इसको सुनकर करता हूं वो उस ऑपरेशन की कामयाबी की गारंटी भी लेता हूं। हजरत मोहतरम मर्ज करना चाहता हूं, मैं ये कहना चाहता हूं आपसे, बेशक शिफा है मेरे कुरान में, इसीलिए आज भी जाके देख लो कहां तक रोकेगी दुनिया। साउथ इंडिया की मस्जिदों के दरवाजों पे जाके देख लो, बीमारियों को दम करवाने वाले हमसे ज्यादा तुम हो, लाइन लगी हुई है जनाबे वाला, लाइनें लगी हुई हैं। कोई किसी बीमारी के लिए आता है, कोई किसी बीमारी के लिए आता है, कोई किसी बीमारी को रफा करने, बेशक मेरे कुरान में शिफा है। और इतना मैं भी बता दूं, शिफा सिर्फ मुसलमान के लिए नहीं है, अल्लाह ने इरशाद फरमाया फी है शिफाउल लिन्नास, इसमें लोगों के लिए शिफा है, पब्लिक के लिए शिफा है, पूरे मैनकाइंड और इंसान के लिए शिफा है। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं करता, कुरान में विकास है सबका, कुरान में साथ है सबका और कुरान में विश्वास है सबका। कुरान शरीफ जनाबे वाला सबके लिए है, फी है शिफाउल लिन्नास, फी है हुदल लिन्नास, यहां नास आता है, इंसान आता है, यहां मुसलमान और लफ्ज़ इस्लाम नहीं आता है, कुरान में शिफा है। और बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती, ए नस्लो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, इस कुरान जैसी दौलत को छोड़कर कहां भाग रहे हो बे, अबे मिलेगा इससे बड़ा साया कोई, इस कुरान को तुम जानते नहीं, मुझसे सुनो, मैं बताना चाहता हूं, कुरान उतरा है आज से 1450 साल पहले मेरे मुस्तफा की जात पर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलेमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से अलीजान मियां, फैजान अलीजान मियां, ख्वाजा का हिंदुस्तान, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, मुफ्ती इमरान हनफी साहब किबला, अल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, दो जहां में खुदा लाज रखे आपकी। स्टेज पे बड़ी बड़ी अहम शख्सियतें हैं, मेरे दोस्त भी कई फाजिल दोस्त मेरे पीछे बैठे हुए हैं, अल्लाह ताला और ये हमारे बुज़ुर्ग अल्हम्दुलिल्लाह, सवार में मैं एक बार नहीं बार बार आता हूँ, इन्हीं बुज़ुर्गों की करामत है, अल्लाह ताला फजल फरमाए, उन बुज़ुर्गों को शायद देर तक रखे और हमारे दोस्तों को लंबी उम्र अता फरमाए और अल्लाह ताला खूब रिज़्क अता फरमाए। जनाब वाला मैं सबके नाम लूँगा, टाइम लगेगा, मगर मैं ये कहना चाहता हूँ, 1450 साल पहले मेरा कुरान आया है ज़मीन पर। कहाँ आया है कुरान? तो अल्लाह की सिफत है, हमेशा से है अल्लाह, कोई समय सीमा है अल्लाह की? कोई सरहद बाउंड्री है अल्लाह की? ला बिदायत लहू वला निहायत ला, ही हैज नो स्टार्टिंग पॉइंट नो एंडिंग पॉइंट, न स्टार्टिंग पॉइंट है न एंडिंग पॉइंट है, वो अजल से है वो अबद तक है। तो कुरान शरीफ उसकी सिफत है, वो भी अजल से अबद तक है, वो लोहे महफूज में था कुरान, जोर से कहिए, 1450 साल पहले पैदा नहीं हुआ,
तवज्जो है, कुरान शरीफ नो पैद नहीं है, कुरान शरीफ हादिस नहीं है, कुरान शरीफ कदीम है, कुरान शरीफ लोए महफूज में था, लोए महफूज में जनाब वाला लोए महफूज में पूरा कुरान शरीफ लिखा हुआ। अल्लाह फरमाता बल इन क्या लिखा है, बल हुवा कुरान मजीद फी लौहिम महफूज। सुभान अल्लाह, जरा जोर से, ये कुरान शरीफ लोहे महफूज में जनाब वाला पहले से ही लिखा हुआ, मगर जनाबे वाला एक दिन शबे कदर में, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, एक दिन शबे कदर में 27वीं रमजान या 23वीं थी या 25वीं थी या 29वीं थी, अल्लाह के नबी आ तो रहे थे बताने, फरमाते हैं मैं आ तो रहा था बताने के लिए कि शबे कदर कौन सी रात में है, मगर दो मुसलमान झगड़ा कर रहे थे, इनके झगड़े की नहूसत से शबे कदर का कन्फर्मेशन उठा लिया गया, अब तुम खुद ही ढूंढते रहो, झगड़ा हो गया तो नहूसत आ गई, इसका मतलब झगड़े से नहूसत तो आती है, झगड़े से घर का झगड़ा हो तो घर में नहूसत, पूरा घर उथल पुथल, मोहल्ले में झगड़ा हो तो मोहल्ले में नहूसत, पूरा मोहल्ला उथल पुथल, चौधरी साहब उधर को और सूरमा साहब उधर मीटिंग लगाए बड़े, और अगर शहर में हो जनाबे वाला झगड़ा तो पूरे शहर में उथल पथल नहूसत, कारोबार खत्म, और अगर किसी प्रदेश में हो झगड़ा तो पूरे प्रदेश में नहूसत, कारोबार खत्म, उथल पुथल, और किसी देश में हो झगड़ा तो झगड़ा तो झगड़ा ही है, झगड़ा तो नहूसत के सिवा कुछ नहीं है, झगड़े में बर्बादी तबाही ताराजी, कारोबार खत्म, मानवता खत्म, चेहरे देख देख के फैसले होते हैं, झगड़ा है, गदर है तो गदर ही है, झगड़ा है, नहूसत है नहूसत, झगड़ा नहूसत है, मेरे नबी ने फरमाया, इसीलिए मुसलमानों झगड़े मत किया करो, तुम जो बिला वजह के झगड़े करते हो, ये बिला वजह जो तुम्हारी नाकों पे हर वक्त जनाब गुस्से रहते हैं, इन गुस्सों को कम कर दो और गुस्सा खत्म कर दो, सबर कर लो, जो ताकत सबर में है वो खुदा की कसम गजब और गुस्से में नहीं है, इसी जनाबे वाला, हाँ हाँ यही सबक मुस्तफ़ा की जिंदगी से हमें मिलता है। बहरहाल नबी फरमाते मैं आ रहा था मैं बताने के लिए, मगर ये झगड़ा कर रहे थे नहूसत से, कंफर्मेशन इसका उठा लिया गया, खुद ही तलाश करो। तो एक दिन शबे कदर में, मुकम्मल तवज्जो है, डॉक्टर अशरफ कहां गए, सज्जाद नशीन, तुम्हारे लिए खुशखबर ये है कि बरेली शरीफ से साहिब सज्जादा दरबार आला हजरत पीर तरीकत हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला दामज़िल्लहुल आली जल्द ही अपनी प्यारी सूरत से तुम्हें मुशर्रफ फरमाने वाले हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इसलिए और ज्यादा दिल, अरे यार क्या बिला वजह तू हर वक्त नारी लगा रहा है, अपना तुम तवज्जो इधर रखो, जलसों में अगर 100 नारे लगाते हो तो आप दौड़ देख के कम कर दो, 50 लगाओ, और वो भी दादा चीख चीख के मत लगाओ, बहुत चीख लिए, चीखने का भी एक लिमिट होता है, इसलिए चीख चीख के मत लगाओ और आधी आधी में ही लगा लो। तवज्जो चाहूंगा आपकी, एक दिन शबे कदर में, सुनने की बात है, अल्लाह ताला ने पूरा कुरान रोहे महफूज से कॉपी करके पहले आसमान पे उतार दिया, कॉपी करके, तवज्जो है, ओरिजिनल वही है, कॉपी हो गई, पहले आसमान पे उतर गया। अब जनाबे वाला जब पहले आसमान पे अभी उतर गया पहले आसमान, अभी दुनिया में नहीं आया है, अब दुनिया में तब आएगा जब मेरा नबी 40 बरस का हो जाएगा, जोर से जोर से। अब मैं बताना चाहता हूँ इस कुरान शरीफ के, पहले हम
बाद में बात करेंगे उनकी जो बात कर रहे थे, पहले अब हम यही बात करेंगे कि इस कुरान को छोड़ के तुम कहां जा रहे हो। इस कुरान शरीफ जैसी किताब पालोगे तुम जमाने में? क्यों नहीं पा सकते? इसलिए कि जनाब कुरान है ही ऐसी चीज। कैसी? ऐसी। ये तो जालिम एहसान फरामोश, नमक हराम है जो कुरान को जला रहे। अबे नमक हराम हो, तुम पर एहसान है मेरे कुरान का एहसान है, इस कुरान का एहसान है, सब पर एहसान। यहूदी पे एहसान, ईसाइयों पे एहसान, मुस्लिम पे एहसान, नॉन मुस्लिम पे एहसान, सारी मेडिकल कॉलेज वालों पे एहसान, यूनिवर्सिटियों वालों पे एहसान, और जनाब वाला दुनिया की शिक्षा 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 पूरी शिक्षा प्रणाली पे अगर किसी का एहसान है तो मेरे कुरान शरीफ का एहसान है। कैसे? अभी मैं बताऊँगा आपको। 1400 साल पहले, 1450 साल पहले जब मुस्तफ़ा जान रहमत 40 बरस के हो गए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह, जब 40 बरस के हो गए मेरे पैगंबर, तो जनाबे वाला मेरे रब ने इरशाद फरमा, आजा मेरे नबी, आजा आजा गारे हिरा में, आजा आजा मैं तुझे अपना बयान दे दूँ, मैं तुझे अपना कुरान दे दूँ। तो मेरे मुस्तफ़ा प्यारे साहिब लौला गारे हिरा में तशरीफ ले आए, गारे हिरा में। जब मुस्तफ़ा गारे हिरा में तशरीफ लाए, मुजाहिदा करते हुए आए, खदीजतुल कुबरा पानी को पैक पैक कर करके और खाने को पैक कर करके, प्यारी बीवी सुभान अल्लाह, बीवी हो तो ऐसी होनी चाहिए, मोती फरमानदार बीवी। ये आजकल की बीवियां सरों पे बैठने वाली बीवियां, शोहरों की अमानतों में खयानत करने वाली बीवियां, कभी बाजारों में कभी मजारों में चक्कर काटने वाली बीवियां। और जनाबे वाला ये बताने वाली के जा रहे रामपुर पहुंच गई बासपुर, जनाबे वाला बासपुर जाने वाली बीवियां, रामपुर बता के बासपुर जाने वाली बीवियां, बरेली बता के शाहजहांपुर पहुंचने वाली बीवियां, हजरत मोहतरम पूरे घर में नहुसत 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 का कारोबार चलाने वाली बीवियां, पर्दों की धज्जियां बिखेरने वाली बीवियां। हजरत मोहतरम ये कोई बीवियां हैं? इन्हें कहते हैं बीवी। मेरे मुस्तफा प्यारे ने सच फरमाया, इरशाद फरमाया, अद दुनिया कुल्लुहा मताउन, सारी की सारी दुनिया आजमाने की है, सारी की सारी दुनिया पूरी की पूरी दुनिया जनाबे वाला बरतने की चीज है, सब बरतने की चीज है, मगर खैर मताई दुनिया अल मरअतु सालिहा, मगर दुनिया में सबसे अच्छी बरतने की चीज पाकीजा किरदार बीवी होती है। बीवी पाकीजा किरदार हो, बीवी नेक हो, बीवी जनाबे वाला परहेजगार हो, मुत्तकिया हो, बीवी खुदा की कसम, तो उससे ज्यादा दुनिया में कोई अच्छी चीज बरतने की नहीं है। हजरत मोहतरम बहरहाल ये खदीजतुल कुबरा है मुस्तफा जान रहमत की बीवी, और जनाबे वाला हमारी मुसलमानों की माँ है, हालांकि ये मोमिनीन की माँ है, मगर हमें हक नहीं है कि हम उन्हें इमरान हनफी कहे कि मेरी माँ है हजरत खदीजा, या हजरत कहे कि मेरी माँ है, या पर्सनली हर एक आदमी कहे कि मेरी माँ। मुझे अफसोस है आज हमारे स्टेजों पे ऐसे ऐसे मौलवी शायर आ रहे हैं और नाज़िम आ रहे हैं, अफसोस होता है, अफसोस होता है। जहालत की हद हो गई इंतहा कर दी, इन जालिमों को पता ही नहीं है कि हदें क्या होती हैं और सरहदें क्या होती हैं। बस जिसे माइक मिल गया बोलता ही चला जा रहा है, हम में के बोलने वाले भी कुछ ऐसे हैं, बल्कि 50% ऐसे हैं जो मदरसों में पढ़ते ही नहीं हैं, हाफिज हो गए मुफ्ती बन के आ जाते हैं स्टेजों पे। अफसोस होता है इन झूठे नाजिमों पे, जनाबे वाला जो शुरुआत ही जलसे की झूठ से करते हैं, इन जलसों की शुरुआत झूठ से, इनका अंजाम झूठ पे होता है, यानी इब्तिदा भी झूठ से और इंतहा भी झूठ पर, हाफिज को मुफ्ती बना दिया जाता है और जनाबे वाला फर्जी सैयद को औलादे गौसे आजम बना दिया जाता है। अफसोस है ये बोलने वाला जनाब बेलगाम आउट ऑफ कंट्रोल मौलवी, ये मौलवी नुमा, ये जनाबे वाला नाजिम स्टेज, और ये जनाब शायर इस्लाम सीधा आके माइक पे आके गले फाड़ के कहता है, अम्मी आयशा फरमाती हैं, अम्मी आयशा फरमाती हैं, अबे औकात देख बे अपनी, अभी औकात देख बे, 14वीं सदी में पैदा हुआ है, खाने की तमीज नहीं है, पीने का सलीका नहीं है, जीने का शऊर नहीं है, तेरी अम्मी है हजरत आयशा सिद्दीका, अपने आप की अम्मी कहेगा, हाँ बेशक वो मोमिनों की माएं हैं मगर तेरी नहीं,
बेशक नबी की बीवियां, नबी की बीवियां मोमिनों की माएं हैं, मगर है अल्लाह को हक है कि वो कहे, मगर मुझे हक नहीं कि मैं कहूं खदीजा मेरी माँ है, मेरी माँ है। अफसोस सद अफसोस, बहुत सारे तकरीर करने वाले कहते हैं, अम्मी आयशा फरमाती है अबे तू रिश्ते निकालेगा हजरत आयशा सिद्दीका से, हजरत खदीजतुल कुबरा से, और वो पाकिस्तान के बदतमीज मौलवी, बेहूदे मौलवी, उन्हीं मौलवियों से ये बला इंपोर्ट होकर इंडिया में आई है। इंडिया में पहले मौलवी कोट भी पहनना नहीं जानते थे। 5 साल पहले, मैं 22 साल से जलसों की दुनिया में हूँ, मैंने 5 साल पहले जलसे देखे हैं, तो मेरे सात पाँच साल पहले कोई मौलवी कोट पहन के नहीं आता था जलसों में, सदरी पहन के आते थे, शायर साहब सदरी पहन के आ रहे हैं, जुब्बा पहन के आ रहे हैं, मगर कोई मौलवी मैंने कोट पहने हुए 5-7 साल पहले नहीं देखा था। हजरात बुरा हो इन पाकिस्तान के बेहूदे मौलवियों का, जिन्होंने ये लानत, और ये चनाबे वाला ये जिन्होंने ये लानत इंपोर्ट करके इंडिया में भेज दी। अब इंडिया में भी न जाने कितने शायर कोट पहन पहन के आ रहे हैं। अब हमसे पूछा जाएगा कोट पहनना नाजायज है क्या? मैं पूछता हूं कि जनाबे वाला, जब कोट पहनना वाजिब ही था तो 10 साल पहले क्यों नहीं पहनते थे? मैंने तो कभी मुफ्ती आजम को नहीं देखा कोट पहनते हुए, मैंने ताजे शरीयत को नहीं देखा कोट पहनते हुए, मैंने अपने बुजुर्गों को नहीं देखा कोट पहनते हुए, मैंने तहसीन मिल्लत को नहीं देखा कोट पहने हुए, मैंने खारिज मिल्लत को नहीं देखा कोट पहने हुए। हजरात अगर कोट पहनना वाजिब था तो फिर ये लोग क्यों नहीं पहनते थे? अफसोस जनाब, आज मसले पूछे जाएंगे मुझसे, कमेंट किए जाएंगे मुझ पे जनाबे वाला, अरे लाख कमेंट कर लो, डरता है क्या इमरान हनफी? खुदा की इज्जत की कसम, पाकिस्तान के बेहूदे मौलवियों ने चंद नहूसतें यहां इंपोर्ट की हैं, इसलिए मैं उनकी मजम्मत करता हूं, और यहां इंडिया में चलने वाले उनके मिलवाल पे उन आउट ऑफ कंट्रोल मौलवियों की भी मजम्मत करता हूं। अम्मी आयशा बे हक किसने दिया बे तुझे अम्मी आयशा कहने का? खुदा की कसम वो माँ है, मगर तुझे हक नहीं कि तू रिश्ते निकाले। अपनी औकात पहचान, औकात तेरी औकात है क्या? 14वीं सदी में पैदा हुआ कलुआ के घर में। बहुत खूब, और अम्मी आयशा कहते हुए शर्म नहीं आती तुझे? ये हजरत खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह ताला अन्हा है, खाना पैक करती हैं, गारे हिरा में तशरीफ लाती हैं। हजरत जिब्राइल ने तो उस वक्त इसे ये भी कह दिया था मुस्तफा से आके, हाज़े ही खदीजा या रसूल अल्लाह, ये खदीजतुल कुबरा आ रही हैं, सलामुल्लाह अलैहा, ए मुस्तफा अल्लाह का सलाम हो खदीजा पर। नारे तकबीर, मैं वहीं नहीं रहना चाहता, मैं वहीं नहीं रहना चाहता, आगे बढ़ना चाहता हूं, और तुम्हारी हिम्मतों को सलामी देता हूं कि तुम इतनी देर तक जनाबे वाला बैठे हुए हो। लेकिन अभी मेरी तकरीर कहीं से भी मुकम्मल नहीं है, इसलिए मुझे आधा घंटा कम से कम लग जाएगा अपनी बातों को समेटते हुए। इसलिए मुझे यकीन है जिस तरह से बैठे हो इसी तरीके से बैठे रहना। अब मैं बात पहले कुरान की करूँगा, बाद में वो हदीस सुनाऊँगा। यूसुफ भाई, क्या नाम है? तौफीक भाई, बड़ी खिदमत की है आलिमों की। कारी अमीर आए नहीं आए? अच्छा, कहीं जलसे में गए क्या? अच्छा, माशाल्लाह। ये तौफीक भाई और डॉक्टर अशरफ अली साहब, माशाल्लाह, आपके दिल का खलूस है। और सज्जादा नशीन, क्या नाम है? हजरत रियासत मियाँ साहब, माशाल्लाह, जलवागर हैं। तो इनके दिल का खलूस है कि मजलिस इस तरीके से बाबरकत बनी हुई है। फिर अल्लाह वाले का यही फैज़ान है, फैज़ान जो तुम सुनते हो, फैज़ान है, फैज़ान है। फैज़ान क्या होता है? फैज़ान यही होता है, फैज़ान तुम जानते नहीं। फैज़ान इसे कहते हैं, तुम्हें आसान लफ्ज़ों में बता दूँ, तुम तो कहते फैज़ान हो रहा बरेली वालों का, बगदाद वालों का, मदीने वालों का। देवबंदी बेचारा जल जाता है, मर जाता है, ताहिर याबी इसी गम में मर भी गया कि पूरी ज़िंदगी जनाब वाला वो यही समझ में नहीं आया कि बुज़ुर्गों का फैज़ान क्या होता है, उसे यही समझ में नहीं आया, इसी गम में मर गया वो। मैं बताता हूँ फैज़ान किसे कहते हैं, एक सेकंड में, ज़्यादा टाइम नहीं,
तुम तो शहर वाले लोग हो, खैर मैं तो देहात से हूं, मगर तुम तो शहर वाले लोग हो, तुम खूब समझते होगे। एक चूल्हा होता है इंडक्शन चूल्हा, देखा है कभी? आग दिखाई नहीं देती मगर चाय बन जाती है। आग दिखाई नहीं देती, चाय कैसे बनती है? सुओं से, किरणों से, रेज से। उसके अंदर से कुछ रेज उठते हैं, रेज राइज होते हैं, और बस उसका सीधा असर चाय पे पड़ता है, और दो चार सेकंड निकाल, मिनट में, दो मिनट में चाय आपके सामने। आग दिखाई नहीं दी मगर चाय बन गई। बर्तन पार करके उसके ऊपर तुम कागज रख दो तो कागज पार करके सुवाएं सीधे बर्तन में आएंगी, जहां सुवाओं को जरूरत है वहीं पड़ेंगी। बस यह, जब तुमने इंडक्शन चूल्हा जला लिया तो तुम फैजान का मतलब समझ गए। ऐसे ही किरणें हैं जो अलीजान मियां के मदार से निकलती हैं। जोर से सुभान अल्लाह, और जोर से सुभान अल्लाह। ऐसी ही रूहानी किरणें होती हैं जो हजरत जोरावर के मजार से निकलती हैं। ऐसी रूहानी किरणें और रेज होते हैं, स्पिरिचुअल, इसको क्या कहते हैं, रेज, जो हाफिज शाह जमालुल्लाह के मजार से निकलती हैं, हाफिज दरगाही के मजार से निकलती हैं, इमाम अहमद रजा के मजार से निकलती हैं, सुल्तानुल आरिफीन के मजार से निकलती हैं, छोटे बड़े सरकारों के मजारों से निकलती हैं, बरेब अमरोहा के शाह विलायत के मजार से निकलती हैं, द कलियर के मखदूम अलाउद्दीन साबिर पाक कलियरी के मजार से कुछ किरणें उठती हैं, और जनाब वाला सुल्तानुल मशाइख सैयदना निजामुद्दीन महबूब इलाही देहलवी के मजार से कुछ किरणें निकलती हैं, और वो किरणें आते आते मुरादाबाद में देवबंदियों को छोड़ आती हैं, क्योंकि देवबंदियों से कोई संबंध नहीं है, वहाबियों से कोई संबंध नहीं है। जैसे पेपर रखा है चूल्हे पे, पेपर से कोई संबंध नहीं है, सीधा वहीं पे असर करती हैं। जनाबे वाला तुम समझ गए होगे, किरणें उधर से निकली और उन किरणों ने इमरान के सीने को टच करना शुरू कर दिया, उन किरणों ने हजरत के सीने को टच करना शुरू कर दिया। सवार में जानवर भी थे, सवार में देवबंद वाले भी होंगे, सवार में जनाबे वाला वहाबी भी होंगे, तरह तरह के लोग होंगे, और सवार में सुन्नियों में भी न जाने कितने ऐसे होंगे जो मजार वाले को ज्यादा इंपोर्टेंस नहीं देते, मगर उनके सीनों को ये सुवाएं टच नहीं करेंगी। ये सुवाएं तो अशरफ अली के, मोहम्मद इमरान हनफी के, शुएब के सीनों को टच करती हुई नजर आएंगी, इसलिए कि जो इनका नाम लेवा होता है, जो इनसे मोहब्बत करता है, किरणें सीधी वहीं पे पड़ा करती हैं। यही है फैजान, बगदाद वाले का फैजान, सात समंदर पार, खुदा की कसम हमारे पास मदीने वाले का फैजान, वही किरणें, रूहानी किरणें निकलती हैं मजारे मुस्तफा से। ये किरणें होती हैं, ये फैजान होता है। आगे बढ़ूं, इजाजत दो, बावाज़े बुलंद कहूं सुभान अल्लाह, बावाज़े बुलंद कहें सुभान अल्लाह। डॉक्टर साहब, अल्लाह दोनों जहान में खुशहाली अता फरमाए, आपको और तमाम आपकी नस्लों को। आपने दिल का खलूस है कि अपने नाना जान को आपने जनाबे वाला अल्हम्दुलिल्लाह अपना वक्त और अपना पैसा और जनाबे वाला अपनी हिम्मत और हौसले कुर्बान किए। अल्लाह इन्हीं किरणों का सदका आपको और आपकी नस्लों को और हम सबको अता फरमाए। आगे बढ़ता हूँ साहब, टाइम की इजाज़त नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा वक्त आपका ले लूँ। मैं ये कहता हूँ कि जनाबे वाला बहुत तेज़ी में बोलूँ, लंबी लंबी जनाबे वाला बहुत छोटी करके सुनाता हूँ। मुस्तफ़ा आ गए गारे हेरा में, अल्लो कुरान शरीफ क्या है तुम सुन लो, 12 साल से 25 साल के लड़को हैं, तुम्हारे तो बोलचाल भी गजब की है, तुम्हारी तो जनाब वाला हर चीज़ ही अजब हो रही है, अब तो जलसों में भी बगैर टोपी के ही आ रहे हो, कोई कुछ कहने वाला तो है नहीं, काश किसी मौलवी से ट्यूशन ही पढ़ लिया होता। अरे लगा दो ट्यूशन इनके मौलवियों के। आगे बढ़ूँ और तवज्जो करो, आ गए मुस्तफ़ा, प्यारे मुस्तफ़ा। अरे भाई तुम इस कैमरे को इधर उधर भी तो घुमा लो, इधर ही रखोगे हमेशा, अल्लाह ताला तुम पे रहम,
भाई एक ही तरफ रखते हो तुम, कभी कभी इधर उधर भी कर लिया करो। अल्लाह ताला फजल फरमाए। अब कैमरा हर वक्त लगा हुआ है। अब इमरान हनफी ऐसे रुमाल से वो पोंछ रहे हैं पसीना, तो कैमरे वाले ने वहीं रोक के फोटो खींच दिया कि इमरान हनफी कान पकड़ते हुए। इमरान पसीना पोंछ रहे हैं तो इमरान हनफी कान पकड़ रहे हैं। माज़ अल्लाह सदबार माज़ अल्लाह, इन कैमरे वालों को अल्लाह अकले सलीम दे। ऐसी ऐसी घटनाएं कर रहे हैं, ये दुर्घटनाएं अंजाम दे रहे हैं और ऐसी ऐसी थीमें बना रहे हैं कि पूरा इस्लाम चौपट होकर रह जाता है, क्योंकि पूरी दुनिया पढ़ती है और ये इस तरह की थीमें लगाते हैं। ये तो खैर अपना बच्चा सही करता है जो भी करता है। पहली बात तो मतलब ये है कि ऑडियो आना चाहिए। अभी हुजूर एहसन मियां आने वाले हैं, जब आएंगे तो इसे बिल्कुल बंद कर लेना, बात समझ रहे हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी उसी मौकफ पर हूँ जो मौकफ मेरे ताजे शरीयत का है। जो मौकफ मेरे ताजे शरीयत का वही मेरा मौकफ है। हजरात मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत गारे हिरा में आ गए और गारे हिरा में जनाबे वाला जैसे ही आए, अब है वो बात सुनने की कि कुरान शरीफ है क्या चीज़। दो मिनट चाहूँगा, ज़रा एक मरतबा हाथ उठा के कह दो सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, खुशी हो गई मुझे। हजरात मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम सुनना चाहते हो मुझसे कुरान क्या है, मैं बताना चाहता हूँ, मगर ये इसलिए नहीं कि तुम स्वार में कल को कहोगे कि इमरान हनफी साहब ने बहुत अच्छी तकरीर की, ना, बल्कि जमाने को जवाब देने के लिए आपको ये सुनना पड़ेगा। दुनिया पूछ रही है व्हाट इज द इमेज ऑफ वो